ओढ़ के मैलो किन्हीं, दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों धर दिनी चदरिया, धीनी रे झिनी। कबीर दास की यही पंक्तियां जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती में हम स्मरण करते हैं जन नायक को। इसी मैदान में सन 88 के उनके महापरिनिर्वाण के बाद सन 89 के 24 जनवरी को मिलर स्कूल उस समय नाम था, और फिर वो मिलरे लोग कह रहे थे देवी पर चौधरी के ना नाम हो गया, के किया कौन किया, बाबू लालू प्रसाद ने किया। मिलर स्कूल का नाम देवी प्रसाद देवी पद चौधरी, शहीद हुए थे इसी मैदान में, और श्री चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल आए थे। मैं स्मरण करता हूं उस सभा को कि वहां की सरकार की विदाई की शुरुआत यही जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के सन 89 में जयंती के अवसर पर हुआ था। आज 95वीं जयंती के इस अवसर पर जन नायक को मैं याद करता हूं, और सन 87 से 89 तक जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने ताना बाना बुना था कि कैसे दिल्ली सरकार की हुकूम दिल्ली की उस समय केंद्रीय हुकूमत बदले, सब ताना बाना करके चले गए थे, नहीं रह पाए उस समय में सन 89 में 88 में चले गए, लेकिन सन 89 में जीवित होते तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर उस समय में प्रधानमंत्री होते, ऐसा इनका कद कद था, औकात था देश में। अब उनको याद करते हुए अभी उनको असली यादगारी या असली श्रद्धांजलि और उनका कर्तित्व व्यक्तित्व की चर्चा यही है कि देश भर में अभी भी गैर भाजपा हुकूमत बनाई जाए, उसके लिए गैर भाजपा दल को एकजुट करके राष्ट्रीय विकल्प की तैयारी हो, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो, और नरेंद्र मोदी को हटा कर देंगे देश बच जाएगा, संविधान बच जाएगा, आरक्षण भी बच जाएगा। इसलिए असली लड़ाई है केंद्रीय हुकूमत को हटाने का, परास्त करने का। अब आम आदमी के खीसा करने से काम चलने वाला नहीं है, आहे माहे का जरूरत अब है नहीं, अब हटाने की तैयारी करनी है, दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी करनी है। यही जन नायक कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि है, और यही स्मरणांजलि है, और यही हम उनको याद करते हैं। इतना भारी अंधेर, नोटबंदी लागू हुई है, देश भर के आर्थिक हालत खराब किया, और कहता रहा लोग से नोटबंदी से फायदा है फायदा है, किसान मजदूर गरीब छोटे कारखाने सभी तबाह हो गए, जीएसटी से तबाह हुआ, नरेंद्र मोदी का झूठ का इलाकड़ा लोग अखबार में छपा है। एक समय था आज से 2500 बरस पहले, एक ही समय में यहां महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, चीन में कन्फ्यूशियस लाओजे, ग्रीस में वहां प्लेटो अरस्तु हुए थे। एक ऐसा खराब दौर राजनीति का चल रहा है, अमेरिका में ट्रंप, वहां पुतिन, यहां पर नरेंद्र मोदी, और चीनों में एगो हुआ है से सब अधिकार अपना हाथ में ले लिया, जिंदगी में कहियो हटवे न करेगा। अजीब दौर है अभी, तो इसलिए अमेरिका वाला तो पकड़ा गया, ट्रंप जे 2 साल में 8900 बेरी झूठ बोला, और नरेंद्र मोदी के झूठ की तो गिनती ये नहीं है, जे है से सब झूठे है, सब झूठे है, कोई साथ सब जुमला कतबल जुमला है। पेट्रोल डीजल के भाव से तबाही, महंगाई से तबाही, बेरोजगारी से तबाही, नौजवान ठोकर दर दर के ठोकर खा रहे नौकरी के लिए, रेलवे में निकली 63,000 नौकरी, 2.5 करोड़ पटीशन पड़ा, 500 रुपया एक आदमी से लिया, 5 रही 1,250 करोड़,
गेट ही काट लिया गरीब आदमी का, बेरोजगार का। 12 लाख आदमी परीक्षा देने नहीं गया, उसका कोयम्बटूर और बंगलोर में सेंटर रख दिया। ये हालत है बेरोजगारी की। चपरासी के पोस्ट पर PhD में 93,000 दरखास्त दे दी। चपरासी के पोस्ट पर 5वां पास पर PhD दरखास्त दे रहे हैं। ये है नौकरी का आलम। कहा था 2 करोड़ लोग को हर साल नौकरी देंगे, कहा है नौकरी? छटनी हुई। नंबर 1,000 के बदला 2,000 के नोट क्यों बनाया? कहा है नोट? काला धन बढ़ गया। काला धन कहां आया? कहां गरीबन के खाता में गया काला धन? 15 लाख रुपया। ये सब जुमला का जे आरक्षण दे दिया, सवर्ण के आरक्षण दे दिया। नौकरी नहीं है तो आरक्षण 10% क्या 100% देगा? की परसाई छी तो झूठ, तो तनिया हगर से लगा ले परस ले जाऊ। यही जुमला, यही खराबी सवाल है आरक्षण का। 8 लाख तक के आमद वाले को नौकरी गरीब मान लिया नरेंद्र मोदी सरकार से। पहले से 2.5 लाख तक इनकम टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा? 2.5 लाख से ज्यादा आमद है तो इनकम टैक्स लगेगा। मतलब गरीब के नहीं लगेगा, 2.5 लाख वाला कम है, गरीब है। 2.5 लाख से ज्यादा वाला को इनकम टैक्स लगेगा। ये कानून बनाए हैं कि 8 लाख वाला के तक के आमद वाले को नौकरी देंगे। बेईमान हुकूमत, 8 लाख तक पहले इनकम टैक्स फ्री करो। ये लड़ाई राजद लड़ेगा, और न तो सवर्ण के 8 लाख वाला गरीब और पिछड़ी जाति अनुसूचित के 2.5 लाख वाला गरीब। कौन फॉर्मूला चला रहे हो? देश को तुम अस्थिर रहने देना चाहते हो? इसलिए ये लड़ाई को आगे लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई का मुद्दा आ गया है। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन हमको एकजुट होना, बूथ स्तर पर संघर्ष समिति, हर बूथ पर 11 से 21 व्यक्ति की संघर्ष समिति। और जो महंगाई के सवाल पर, किसान का सवाल, आमल लागत से दुगना दूंगा, मूलधन भी लागत भी नहीं निकल रहा किसान को, आमदनी के दोगुना कर दूंगा किसान को, किसान डीजल के भाव में वृद्धि, लागत खर्चा वृद्धि, जोताई खर्चा, सिंचाई खर्चा, दौनी खर्चा, निकौनी खर्चा, पटौनी खर्चा, सब में वृद्धि हो रही है, आमद घट रहा है, किसान तबाह है देश भर में। क्यों कर्जा माफी अभी तक नहीं किया बिहार का? क्या किसान के कर्जा, देश भर के किसान के कर्जा माफी की लड़ाई, और फिर उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले उसकी लड़ाई। ज्यादा तबाही तो नीलगाय और जंगली सुअर आवारा पशु से है, तबाह है गांव में किसान लोग। सरकार के तरफ से कोई इंजाम न मुआवजा है, न सर्वेक्षण है, न इंजाम है। त्राह त्राह कर गांव में जाइए, किसान लोग का तो नीलगाय से, घोरपराज से जान बचवाओ, सब फसल को बर्बाद कर रहे। जाने गई है कई लोगों की, गुरगम्मा में एक व्यक्ति की जान गई, उस दिन वहां पारू में एक व्यक्ति की जान गई, लालगंज में एक व्यक्ति की जान गई, भिखनपुरा में एक व्यक्ति की जान गई। किसान तबाह है, किसान के लिए केवल बयान है, धोखा है, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। बेरोजगार के लिए कोई इंतजाम नहीं है, काम पैदा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। और ये तबाही, खून खराबा बढ़ गया है। आज भी हमारा साथी पार्टी का आदमी रघुवर राय की हत्या हो गई समस्तीपुर में। रोज रोज हर जिले में रोज हत्याएं हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, फाइनेंशियल एजेंसियों की पैसा लूटी जा रही है, हर जगह जघन्य अपराध बढ़ गया है। दारू बालू में असूली है, पुलिस के द्वारा अवैध कारोबारी मालोमाल हो गए, बुझाते नहीं। थाना से शराब की बिक्री, हर थाने से शराब की बिक्री, एक थाना में पोस्टिंग के 1 करोड़, जिले की बिक्री, टैक्स असूली, RCP कोई है असूली कर रहा, चलेगा राज कहते कि तेजस्वी मुख्यमंत्री, जहां राज के इतने बिगाड़ के खराब कर देगा, जय मुख्यमंत्री होने के बाद भी जब सुधरेगा नहीं जल्दी, इसलिए जल्दी से आंदोलन करके हटाना पड़ेगा, कि हमें मायके खीसा करना पड़ेगा, माहे करना पड़ेगा।
तो इसलिए इसलिए ये सभा से हम जनमत चाहते हैं, ये दोनों सरकारों को आंदोलन करके झमोर करके जन संघर्ष समिति बूथ स्तर पर बना करके इनको झमोर करके हटा दिया जाए कि वोटावेगा तो हटावेंगे, वोटावेगा तो हटावेंगे, पहले गर्भनिया देकर हटा दिया जाए। इस तरह का आंदोलन, इस तरह का एकजुटता होनी चाहिए। जिंदा कौ में 5 साल तक इंतजार नहीं करती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। बाबू जयप्रकाश नारायण के आंदोलन जो हुआ था उस समय में राष्ट्रकवि दिनकर शांति नहीं तब तक सुख भाग न नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो, सामाजिक आर्थिक बराबरी के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आजीवन संघर्ष किया और लड़े। और इस समय जननायक की श्रद्धांजलि यही है, दो रास्ते में के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा कर्पूरी जी का नाम रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।